हम लोग हैं गांधी मैदान पटना में कारगिल चौक पे, और कारगिल के युद्ध को जो विजय दिवस है उसको मना रहे हैं आज। मैं कारगिल वॉर के दौरान अवंतीपुर और बादामी बाग और लेह में रहा। ज़्यादातर मेरा टाइम जो है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ बीता, लेकिन जब मैं बादामी बाग हॉस्पिटल में जाता था घायलों से, यानी अपने जो जवान फौजी घायलों से मिलता था, बड़ी बड़ी गोलियां लगी होती थी, एक हाथ एक टांग जख्मी हालत में भी वो बोलते थे कि मैं तो सर कटवाने गया था, ये तो सिर्फ मेरा हाथ कटा है या मेरा पैर कटा है। उनके जोश में कोई कमी नहीं थी। और आज 2022 में भी वही हाल है। भारत का हर जवान जो है वो तैयार है अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो आइए देखते हैं, नमन करते हैं अपने शहीदों को। और अभी जो है वरिष्ठगण जो है आने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। आज Thank you.
लोग को बाइट देना है विजय दिवस मना रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं देश के उन वीर सपूतों को। कारगिल युद्ध में जो कि 1999 में हुआ था, हमारी सेना ने ये साबित कर दिया कि खून की बलिदान देख करके अगर देश की सीमाओं की रक्षा करना पड़े तो हमारे जवान कभी नहीं चुके। आपने ये फेमस पिक्चर देखी होगी शेरशाह, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का जो फेमस कोट है वो क्या कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, या तो तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर वापस आऊँगा, पर वापस आऊँगा ज़रूर। और ये उसने कर दिखाया। जब टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए हमारी सेना आगे बढ़ी और टाइगर हिल का कैप्चर हुआ, उसके बाद कारगिल विजय दिवस हमारा मनाया जाता है, हमारी सेना की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। आज का दिन हमें अपने उन सैनिकों को जिन्होंने अपनी खून की बलिदान देकर और अपनी वीरता दिखाकर हमारी सीमा की रक्षा करी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्योंकि मैं एनसीसी से हूँ और बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट का एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ, तो आपको एक एनसीसी कैडेट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है लेफ्टिनेंट सरवनन। लेफ्टिनेंट सरवनन हमारे यहीं के फर्स्ट बिहार रेजिमेंट के ऑफिसर थे, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर थे और वो सबसे पहले कारगिल बटालिक सेक्टर के कैजुअल्टी, जबकि कारगिल युद्ध का शुरुआत ही हुआ था मई के महीने में, उसी समय उनको 14,000 की जो चोटी है उस पर दुश्मन के कब्जे किए हुए पोस्ट पर अटैक करने का हुक्म दिया गया। उन्होंने 4 सोल्जर्स को मार गिराकर अपनी जान का बलिदान दिया और इस चोटी को दोबारा हासिल करने में हमारी सेना कामयाब हुई। तो ये फर्स्ट बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट और एनसीसी, इन तीन को जोड़ते हुए एक बड़ी खूबसूरत कहानी है लेफ्टिनेंट सरवनन फर्स्ट बिहार। तो सर, मैं कारगिल में रहा, मैं अवंतीपुर में भी था, बादामी बाग में भी और लेह में। मैंने जब बादामी बाग विजिट किया हॉस्पिटल, तो कई ऐसे जो हमारे जवान थे, हमारे जो फौजी भाई थे जिनका एक पैर एक हाथ गया हुआ है, फिर भी वो कह रहे थे कि अब हम तो सर कटाने आए थे, हमारा तो हाथ गया है या पैर गया है। आप अपने मित्रों को, अपने उन दोस्तों को, अपने उन शागिर्दों को कैसे याद करते हैं कारगिल के इस वॉर के मेमोरियल डे पे, विजय दिवस पे? भगवान की कृपा से एक सोल्जर के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होता है किसी युद्ध में भागने का, और भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया। मैं खुद कारगिल युद्ध में भाग ले चुका हूँ और हमारे ब्रिगेड के साथ, उस समय मैं एक ब्रिगेड मेजर था। कल ही एक आर्टिकल, बड़ा खूबसूरत आर्टिकल निकला है जिसमें कारगिल युद्ध में जवानों ने किस तरह से उन ऊंधे हाइट पर, जहाँ पे आपका थोड़ा भी पांव फिसल जाए तो आप 200 फीट 300 फीट क्रेवास में गिर के अपनी मौत को, तो मौत आपके ऊपर आ जाएगी, उसको ध्यान में ना रखते हुए जिस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा उन कठिनाइयों में, ये बहुत ही सराहनीय है और देश उनसे बहुत ही इस बात में देश प्यार करता है। रही बात उनको याद करने की, अगर आपको कैप्टन पांडे, मनोज पांडे का कोट याद होगा, उन्होंने क्या कहा, इफ आई हैव टू
if death strikes me, if death strikes me before I prove my blood, I will kill death first. आप देखिए क्या शानदार भाषा बोली। अगर मुझे अपने खून को सिद्ध करने के पहले मेरे पे मौत आती है तो पहले मैं मौत को मौत के घाट उतारूंगा, अपनी खून की को पहले सिद्ध करूंगा और उसके बाद ही मौत मुझे हाथ लगा सकती। तो ऐसे होते हैं हमारे जवान, ऐसे होते हैं हमारे ऑफिसर और जिन पे हमारे पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को नाज है। तो कारगिल वॉर के समय में आपका जन्म हुआ था? चांद्री कुमारी, तुम्हें अंदर ऑफिसर कब बने? सेकेंड ईयर। जल्दी बना दिया क्या? वैसे क्या काम कर क्या बनने का बहुत भजन है किरा बस कृति का मोहन क्या बनना था? आइए वाह तो बड़ी अच्छी बात है। तैयारी चल रही है? कैसे तैयारी कर रहे हैं? सीधी आपको कैसे मदद करेंगे? फोकस बना लेंगे। अब परिजी का राज कहाँ से होते इधर पटनी ऑप्शन? अरे वाह, इसीलिए तुम्हें इंटरव्यू आने का दिन हुआ क्या? बनो लॉयर बनो, वापस जे डी में तुम केस लड़ोगे। गुड, बहुत अच्छी बात। शाबाश बच्चों, आप सबको कारगिल की हार्दिक शुभकामनाएं। अशन कुमार, आपको कब बनाया गया एस सी ओ? आपकी क्या खासियत है कि आपको इसे क्यों बनाया गया? सर, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज थे सर, जिस कारण से मैं अपने बटालियन को लीड कर सका सर, जिस कारण से हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बनाया। वेरी गुड, इसी तरह से आगे भी लीडरशिप करते रहो। यस सर। बाकी लोगों को भी अपने लीडरशिप का एग्जांपल दो और हम सब चाहते हैं कि आप लोग सब अपने अपने फील्ड में, जो भी फील्ड ज्वाइन करते हो, सब में आपने लीडर बनना है। यही एनसीसी कैडेट की खासियत है, एक नेतृत्व होना चाहिए। जहाँ भी आप रहो वहाँ पे काम बड़ी खूबी से और कामयाबी से हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे जैसे इसने कहा सीआईडी में हो, चाहे वो सीआईए में हो, चाहे वो लॉयर बनो या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करो, कुछ भी करो, आपकी लीडरशिप क्वालिटी एकदम अलग दिखनी चाहिए। ओके, शाबाश, जय हिंद। एक दो जन और बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो पीछे आएंगे भाई।
एक मिनट भैया, थोड़ा पीछे हुई है सर। सर आपका लिटिल बिट बैक। आओ आगे आओ, बैठ जाओ। इधर वो कट रहा है, इधर आ जाओ। यहाँ आगे आगे तो सोनू थोड़ा सा पीछे सीनियर हट जाएंगे सब करवा सकते। एक एक नारा हो जाना, अमर थे अमर रहे। अमर रहे। हाँ अमर तहे।